चालू करा ना को लाए जाओ, सही है। पांच मिनट लो, पीछे आवाज सही सुन रही है, माइक खोल लो, पांच ही मिनट। अरे बैठ जा, हाँ पहलो सुन से, पहले ये बताओ महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक नाम था, ये ध्यान रखना। मैंने वो किताब लिखी, फिर मैं गया था वहां अर्पित करने के लिए, अर्पण करने, क्योंकि जिसके नाम से हम कमा के खा रहे हैं तो हमारे लिए तो भगवान वही है। मैं वहां गया था, तब मैंने देखा था वहां लिखा था चेतक का स्मारक, तो उसका रियल नाम चेतक नहीं चेतक था। तब मैंने जो नई बुक निकाली है उसका नाम भी क्या कर दिया अब, क्योंकि अपन क्यों गलती करे, बाकी चाहे कोई करो चाहे, के नाम है बुक खरीदने पहले नाम देखोगे, आरबीडी देखोगे, बाकी समझ गया हो गया, अपन लो नाम तो देखनो ही देखनो है। तो इसका रियल नाम चेतक था, चेतक। पीछे वाली ज्योग्राफी में कुछ गलतियां हुई थी, वो ऑब्जेक्टिव हो गई थी, यानी सह का दह 10-12 क्वेश्चन थे, वो बुके मैंने सारी बंद कर दी, उस पूरा नया छापेंगे। तो अब जो आ रही है वो नए जो नाम से आएगी वो किस नाम से आएगी, चेतक ही नाम से आएगी। और आपको चेतक देखना है, आरबीडी देखना है, और क्या देखना है, और इस किताब में आप थान पता है और की नहीं नाम बताइए, एक बात बताऊं, हिस्ट्री किताब में खुद टाइप कर रही हूं, देखो अतन गठुआ है, मैं 2010 में पीजीडीसी ग्रेड हूं, कौन मेरा नहीं था कि नहीं कौन मेरा, कंप्यूटर पीजीडीसी हूं मैं, ओ लेवल का मैं 4 पेपर दिया, 2 हम फेल हो गया मैं, फिर बाकी 2 हम पास हूं, बाद कंप्यूटर लाइन तो मतलब भी को नहीं हो, बाकी मैं टाइपिंग खुद ही कर रहा हूं, वो गलती नहीं होनी चाहिए। अपने पे विश्वास करके कोई बंदा किताब लेता है तो वो ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है। अब की बार तो सहयोग लिए थारे संस्कृति आरा गुरु जी, इलो जी हो गलती होने की वैसे भी संभावना नहीं, आपको पता है संस्कृति बुक पूरी उन्होंने टाइप की, फिर मैंने पूरा चेकअप किया, 3-4 पर वो गलती नहीं होनी चाहिए। अमन थान देगी जानी है 4-5 किताब, मैं तो अन्य जगह पर्सन पूछूंगा, जो पर्सन हो गए अब देने के लिए पूछना है कि नहीं देने के लिए, जैसे नहीं देने के लिए पहला प्रश्न है, खानवा युद्ध में इराक के 2 राजदूत थे उनके नाम बताओ, हाँ तो है प्रश्न नहीं देने खातर, चलो देने के लिए पहली बहुत फोटो है तेजा जी की, चलो बताओ तेजा जी किस गोत्र के थे, एक बताओ तो मन के बेरो, चल ले लेना कोई बात, दोलिया गोत्र के जाट थे। चलो दूसरा प्रश्न है, दूसरी फोटो है जाम्बो जी की, बताओ बिश्नोई, हाथ ऊपर कर देना मैं जिससे पूछूं, एक साथ नहीं बोलोगे, बिश्नोई समाज पर्यावरण रक्षा जो बलिदान देता है उसे क्या कहा जाता है, हाथ ऊपर करना है सिर्फ एक ही, बिश्नोई है ये, तू है बिश्नोई समाज पर्यावरण रक्षा जो बलिदान देता है उसे क्या कहा जाता है, ले भैया के बोले शाबाश, पहली करार तो बैठ जा, अब उसे तेरा कुछ कुछ कहना कोका कोका गठपेरी से सुखना नावर, वाह क्या बात है, अब पूछू हाथ ऊपर कर दिया। अच्छा देवियों का प्रश्न पूछता हूं, चलो पहले बताओ शिवाजी की कुल देवी का नाम, तन्नोट माता, हाँ तो ऊपर कर दो, हाँ ठीक है प्रश्न आके है तुलजा भवानी का नहीं है, राजस्थान में तुलजा भवानी का मंदिर है चित्तौड़ दुर्ग में, अब ये बताना हाथ ऊपर कर देना जिसको आते हैं वो मंदिर किसने बनवाया था, हाथ ऊपर कितना करो, तू करो ले दो, तू ये याद रखो। हाँ एक और है ज्यादा महंगी नहीं है, आप देख दुकानदार के पिछली किताब में दुकानदार फायदा उठाओ, वो दुकानदार के बुला लो इन बातों को कौनी मार्जिन को नहीं गए आ करके महंगी बेचती क्योंकि किताबों की शॉर्टेज आगी बोड़ी, ये किताब एवरेज ये मान के चलो कि 100-125 के बीच ही, दुकानदार ज्यादा जंप ले भी बिंगो तो करा के क्यों वो आगे दो बांगी बहुत किताब महंगी आ परसेंटेज माफ को नहीं माँ क्योंकि ये 100 या 125 के बीच में मिलेगी आपने बट मिल जाएगी 110 के लमसम। अच्छा और बताओ तो फिर माता को प्रश्न पूछा था, करणी माता मंदिर को क्या कहा, सिर्फ हाथ ऊपर करना करणी, मैं क्या पूछिए कब है, करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, खैर तो ने लेना लखन है सगड़ा
चलो लड़कियां एक ही किताब कौन ली भाइयों, क्या बात है, चलो दे बताओ फिर बाया बताओगी कौन सो बताओगी, देवियां को पूछूंगे किस मंदिर को दरगाह कहा जाता है, हाथ ऊपर कर दिए थार्मो, किस माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, भाइयों आपने हाथ ऊपर कर दिया, किस माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, कौन मेरो मठ है करणी माता रो आई माता कौन लिखा हो हमारे जोड़ नाम ले करो, कौन नहीं भाई थार किताब लेना का लखन को नहीं, चलो एक और पूछ लिया फिर, विजय स्तंभ की कौन से स्तंभ के अंदर मूर्ति नहीं है, हाथ ऊपर कर देना बस हाथ ऊपर, लड़कियां हम कोई विजय स्तंभ के कौन से मतलब पहली मंजिल दूसरी कौन सी मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है, तीसरी में नौ बार अल्लाह लिखेड़ो है, कौन है दारा लखड़ कौन है, कौन है भाई इतनी डांगा और हम बांटिया आना ना ए दारा लखड़ी।